हाय एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल मीनूज न्यूज़ लाइफ आवाज़ थोड़ी चेंज लग रही है ना फिर से आज थोड़ी थकान हो गई है अभी त्यौहार है थकान होते रहेंगे और आवाज़ इस तरह से चेंज होती रहेगी जहाँ मुझे थोड़ी थकान होती है मेरा थोड़ा सा <laughs> तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज का वीडियो है आयान मॉम पर ठीक है इतने दिनों तक क्या हुआ इतने दिनों तक क्या हुआ वो मायके गई थी मायके जाने से पहले उन्होंने एक छोटी सी चिंगारी छोड़ दी थी आज ये समझ में आ रहा है इनके करवा चौथ का व्लॉग देखने के बाद कि इन्होंने जो भी किया था सब कुछ व्यूज़ के लिए और चैनल ग्रो के लिए किया था ये चाह रही थी कि इनका चैनल जल्द से जल्द ग्रो हो इसीलिए इन्होंने ऐसा किया था ठीक है मुझे जितना समझ में आ रहा है तो इन्होंने मायके जाने से पहले एक छोटी सी चिंगारी छोड़ दी थी बर्थडे वाले के दिन के लिए उन्होंने यही बताया था ना कि बर्थडे की तैयारी हम लोगों ने करके रखे थे हम लोगों ने किया था और वो आए नहीं जिस वजह से हमारी छोटी सी लड़ाई हो गई है बस एक चिंगारी इन्होंने छोड़ दी उसके बाद ये चली गई अपने मायके तो पहले भी मैंने बोला था कि मायका इनका काफ़ी दूर है तो इतने दिनों तक अगर ये एक डेढ़ महीना रहना कोई बड़ी बात नहीं है अभी बच्चों के स्कूल भी बंद है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इतने दिनों तक इनके ऊपर काफ़ी वीडियोस बने काफ़ी वीडियोस बने पर इन्होंने कभी भी कोई रिप्लाई ही नहीं किया कुछ भी नहीं बोला हस्बैंड की बेइज्जती हुई सब कुछ हुआ पर इन्होंने कुछ भी नहीं बोला इतने सारे वीडियोस इनके ऊपर बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बनाए थे मैंने भी बनाए थे पर इन्होंने कभी कुछ भी बोला ही नहीं कुछ भी इन्होंने नहीं बोला उसके बाद फिर क्या होता है कि अचानक से ये एक दिन अपने माईके आती हैं तो हमें भी बड़ी खुशी हुई क्योंकि इनके ब्लॉग्स काफ़ी हैपनिंग वाले ब्लॉग्स होते थे तो हमें भी बड़ा अच्छा लगा कि वापस से अपने घर आ रही हैं तो ये अब हमें अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने मिलेंगे फिर इन्होंने आने के बाद क्या बोला कि इतनी रात को ये आई हैं भोर में एकदम सुनसान एक छोटे बच्चे और उनकी बहन की बेटी को लेकर जो इनकी भी बेटी हुई ऑब्वियसली बहन की बेटी बेटी ही होती है तो अपने बेटा बेटी को दोनों को लेकर ये आई हैं वापस उसके बाद फिर अकेली आती हैं तो उनके हस्बैंड उन्हें लेने नहीं आते हैं स्टेशन ठीक है उसके बाद फिर ये बोलती हैं कि ये काफ़ी टाइम से आई थी और आकर बेल बजा रही थी काफ़ी टाइम से दरवाज़ा नहीं खुला ये काफ़ी परेशान हो गई थी एकदम ही इन्होंने फिर से एक और मतलब कंफ्यूजन इन्होंने क्रिएट कर दिया और इनके हस्बैंड की फिर से ताबड़ तोड़ बेजती होती है तभी भी इन्होंने कोई सफाई नहीं दी कुछ भी सफाई नहीं दी लेकिन फिर आता है करवा चौथ का ब्लॉग ठीक है चौथ की तैयारी इन्होंने बड़े अच्छे से की करवा चौथ मनाया भी बड़े अच्छे से उसके बाद इन्होंने अपने हस्बैंड को इंट्रोड्यूस कराया इंट्रोड्यूस कराया और उसके बाद इनके हस्बैंड वो बोल रहे थे कि उन्होंने बोला कि इन्होंने बिन बताए ही आई थी इन्होंने खबर ही नहीं दी थी कि ये आ रही हैं बच्चे को लेकर और बेटी को लेकर दोनों को लेकर ये आ रही हैं बेटी इन सेंस मासी मतलब बेटी वो ठीक है तो इन्होंने खबर ही नहीं दी थी कि ये आ रही हैं। अगर इन्होंने इन्फॉर्म किया होता तो इनके हस्बैंड जरूर ही इन्हें लेने आए होते स्टेशन पर बट इन्होंने इन्फॉर्म ही नहीं किया था फिर आने के बाद ये स्टेशन से वापस घर अकेली आ जाती हैं और आने के बाद बेल बजाती हैं काफ़ी और इनके हस्बैंड बोल रहे कि इतने टायर्ड थे कि ये गहरी नींद सो गए थे काफ़ी बार ऐसा होता है कि गहरी नींद सो जाते हैं होता है कभी कभी बहुत ज़्यादा होता है हमारे घर के हस्बैंड भी ऐसा मतलब होता है कि हमारे घर के आदमी भी ज़्यादा एक्चुअली मेंटल जो वर्क होता है ना मेंटल वर्क फिज़िकल वर्क से ज़्यादा मतलब होता है तो नींद गहरी आ ही जाती है इन्होंने फिर एक चिंगारी छोड़ी थी, थी कि, कि काफ़ी देर तक बेल बजाया पर दरवाज़ा इन्होंने नहीं खोला उसके बाद ये साथ साथ बोल रही हैं कि हाँ मैंने नहीं बताया था मैं अकेली आई थी मैं बिन बताए आई थी तब इन्होंने बोल रही थी तो फिर ये क्या खेल था ये क्या खेल था तब तो आप तो खुद खुद को ही अपने आप को ही एक्सपोज कर दिया आपके हस्बैंड शिकायत भी कर रहे थे कि काफ़ी लोगों ने वीडियोस बनाई चलिए उनसे तो मैं बाद में बात करूंगा इतने वीडियोस, इतने वीडियोस बने इतने वीडियोस बने ऐसे कर कर के तो वीडियोस बनाने के लिए एक चिंगारी किसने छोड़ी थी इन्होंने ही छोड़ी थी वीडियोज़ बनाने के लिए एक चिंगारी तभी तो लोगों ने वीडियोज़ बनाए ना अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप अपनी लाइफ दिखा रहे हैं आपकी लाइफ में लोग इंटरेस्टेड हैं आपको अच्छे खासे व्यूज़ भी आते हैं चैनल भी आपका बड़ा है सब कुछ अच्छा है और आप फिर कोई चीज़ अगर आपसे सवाल किए जा रहे हैं लोग तो आप बोल नहीं रही हैं ना आपके हस्बैंड पे इतने सारे सवाल उठे आपने कुछ नहीं बोला आपकी ननद के चैनल पर सवाल उठे उन वहाँ जा जाकर लोग पूछते थे वहाँ भी आपने कुछ नहीं बोला आपकी बहन के चैनल पर लोग जा जाकर सवाल पूछते थे वहाँ भी आपने कुछ नहीं बोला यहाँ तक कि चांदनी जो आपकी बहन की बेटी आपकी बेटी ही हुई बहन के बच्चे अपने ही बच्चे होते हैं उसके कैरेक्टर तक को लेकर बोला गया उसे बोला गया कि वो अपने माँ बाप के घर पर उसका मन नहीं लगता है तो अपने माँ बाप से उसे लगाव नहीं है आप लोगों के झगड़े की वो है सब कुछ उसे बोला गया आपने कुछ भी सफाई कभी भी नहीं दी थी तो ये सब आपका खेल था ये सब तो आपका खेल ही था ना आप आपने खुद को ही एक्सपोज कर दिया है अभी भी आप चुप हैं अभी भी आप कुछ नहीं बोल रहे हैं एटलीस्ट एक बार आपको बोलना चाहिए था जो आपने नहीं बोला है और ना बोलकर आप और बड़ी गलती पे गलती किए जा रही हैं और हम लोग बेवकूफ़ जैसे और हम लोग भी और व्यूवर्स भी एक मटीसी हम लोग भी और व्यूवर्स भी बेवकूफ़ जैसे आपसे सवाल आपकी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस तरह के सवाल काफ़ी लो वीडियो बना रहे थे तो सब बेवकूफ़ थे क्योंकि ये तो आपने एक फंडा अपनाया था आपके चैनल का एट द रेट लगे हैश टैग यूज़ हो सब कुछ हो और आपका चैनल सीधे सीधे बूम पर जाए इसलिए आपने ये सब कुछ करा था तो ये तो आपका एक स्टंट था अपने चैनल को बढ़ाने के लिए फिर आपने क्यों नहीं बोला किसी को भी क्यों नहीं बोला कि ये सब कुछ एक मेरा का चलिए आप एक्सेप्ट तो करेंगी नहीं कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता कि मैं चैनल के ग्रो क्ले कर रही हूँ पर फिर भी कुछ तो सफाई देनी थी ना हस्बैंड की जमकर बेजती हुई बच्ची की हुई परिवार वालों की हुई सब जगह कई कई बात उठे पर आपने कहीं भी कुछ भी नहीं बोला तो ये क्यों किया आपने ये तो गलत है आपने एक गलती कर दी और बहुत अच्छे से कर दी है ये गलती आपने उसके बाद फिर आप लाकर अपने हस्बैंड को इंट्रोड्यूस कराकर आपने बोला और उन्होंने भी बोला काफ़ी लोगों ने वीडियोस बनाया तो भैया प्लीज़ वीडियो तो बनेंगे ही ना प्लीज़ इस बात को समझिए वीडियोज़ तो बनेंगे ही जब लाइफ में सब कुछ जो आप लोग मतलब दिखाते हैं तो वो तो उस पर तो वीडियोज़ बनेंगे ही और इस अगर जो नहीं दिखाना है अब जो व्लागर्स होते हैं या जो हम लोग भी हैं हम लोगों के हाथ में हम लोग अपनी लाइफ को क्या दिखा रहे हैं क्या नहीं दिखा रहे हैं ये हम लोगों के हाथ में है तो जो अपना डेली ब्लॉग दिखाएगा तो उससे तो सवाल किए ही जाएंगे कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है इतने टाइम तो कभी मायके रहती नहीं हैं तो आप इतने टाइम क्यों रही है? ये सारे सवाल उठने जायज़ थे इसमें किसी भी यूट्यूबर्स की कोई गलती नहीं है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गलती आपकी वाइफ की है आयन मॉम की है उनकी ही गलती है उन्होंने ही एक चिंगारी छोड़ी मायके जाने से जस्ट पहले क्योंकि उन्हें अपना चैनल बूम पे ले जाना था उसके बाद थमनेल भी थंबनेल भी इन्होंने वैसे वैसे डाले थे जो कढ़ाई का तेल गिर गया खोलता तेल गिर गया हादसा होने से बच गया ये सब कुछ इन्होंने भी डाले थे तो ये तो स्टंट था और खैर होता है ये क्लिक बैट ये सब कुछ तो सभी यूट्यूबर्स करते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी बट अगर शिकायत ये है कि वीडियोस बने हैं तो इसीलिए वीडियोस वीडियोज़ बने थे क्योंकि चिंगारी इन्होंने ही डाली थी इनके डालने पर ही वीडियोस बनी थी ये सारा रचा तो आप लोगों को मेरी बातें कैसी लगी इनके ऊपर जो मेरा नजरिया आया है इनके चौथ ब्लॉग को देखने के बाद इनके हस्बैंड यानी भैया और आयन मोहम को देखने के बाद जो मेरे मेरा जो नज़रिया आया है जितना मैं समझ पाई हूँ किस हद तक मैं सही हूँ प्लीज़ मेरे व्यूवर्स मुझे बताइएगा ज़रूर से ज़रूर और वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे भी सपोर्ट देते रहिएगा चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय